अरुण भी एंटरटेनिंग है, बट वो शो के लिए वो राजनीति तो बहुत चलता है, बट कुछ राजनीति चल नहीं पाती क्योंकि आप पहले बाहर तो निकलो, घर के रूम के बाहर नहीं निकलता हो। हाँ, विक्की थोड़ा सा टाइम लोगों को ज़्यादा देता है, तो इस वजह से अंकिता का ऐसा रिएक्शन रहता है, क्योंकि आपको बोल नहीं पाओगे, अपने स्टैंड नहीं लो पाओगे, तो लोग आपको एक कचड़ी की तरह समझ लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं ही हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाय सोनिया, वेलकम टू टेलीफाइट्स। हाय हाय। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, काफ़ी छोटी जर्नी रही, कैसा लगा वो 2 हफ्ता भी, लेकिन निकलने के बाद आपको अब क्या फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा जल्दी एलिमिनेट नहीं हो? हाँ, मुझे अनफेयर लगा क्योंकि मेरा अभी जाना ठीक नहीं था उस शो से, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी और बहुत अच्छा खेलती, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी मेरा चांस नहीं था। जिसका चांस था उसको अंदर ही बचा लिया, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। घर वालों को आपने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है और काफ़ी कोई रिश्ते भी देखे हैं, किनके साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी? मुझे खानसादी के साथ ज़्यादा हो गई थी, और तो सबके साथ, अंकिता भी सबसे मैं बात करती थी, इनफैक्ट जो दीदी थी उनसे भी बात करती थी, बट उनका रिएक्शन कुछ अलग रहता था। तो आपसे बात ही कर सकती हूँ मैं प्रेम से, और मेरा आपने नेचर देखा भी होगा, बहुत हम्बल था। कभी भी एक ही बार मैंने उनसे बोला था कि अंदर बात नहीं होगी, बाहर ही होगी, नहीं तो मेरा हमेशा से उनके लिए हम्बल नेचर था, क्योंकि मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ, बट वो नहीं मान रही थी, तो मुझे लगा था कि कभी तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। जिंदगी में कभी ऐसे कोई घर से रास्ता रहा हुआ है आपका, एक ही घर में रह के झगड़े इतने मेरी बिल्कुल हैं करके? 3-4 बहनें होते रहते हैं, बट वो फेस को मैं छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं शांत हो चुकी थी एक लाइफ में। शांत बोले तो जैसे कि आप मेरे सामने आए, मुझे आपकी बात नहीं अच्छी लगी है, तो मैं साइड हो जाऊंगी, बट उसमें साइड होने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपको बोल नहीं पाओगे, अपने स्टैंड नहीं लो पाओगे, तो लोग आपको एक कचड़ी की तरह समझ लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं ही हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को वहीं रखा जहाँ उन लोगों की ज़रूरत थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जाता भी है बिग बॉस में, एक तो इजी नहीं है वो लाइफ, क्योंकि आपका कभी उन 16-17 लोगों से बातचीत होता है जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, फिर आप सोचते हो कि इनसे या तो दोस्ती बना लो या झगड़े कर लो। झगड़े अपने टॉपिक पे ही करने पड़ेंगे, दोस्ती भी बनानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता है। बट कुछ लोग दोस्ती बनाने की सोचते हैं क्योंकि उनको नॉमिनेशन से बचना है, वहीं मैंने अलग ही रखा था कि दोस्ती है और नॉमिनेशन का आपका चॉइस है, आप मुझे नॉमिनेट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मगर आपको क्या लगता है, घर वालों ने आपके साथ ये अनफेयर किया है, फेयर किया, क्योंकि सना और आपके बीच में इतनी चीज़ है और आपने भी घर वालों से काफ़ी कनेक्शंस बनाए, सना ने भी बनाए, बट आपको एलिमिनेट किया गया वो भी घर वालों के क्योंकि साथ? आपने देखा है कि सना किस टाइप की रहती है, सबका ऐसा रहता है उनके साथ में, ओके जी हाँ जी, बट मेरा हमेशा से सही पॉइंट को मैं सही बोलती हूँ, चाहे वो मेरी आवाज़ ऊपर करके बोलती हूँ, चाहे मैं प्यार से बोलती हूँ। आपने देखा भी होगा जिगना को मैं कितने प्यार से कभी कभी बात भी करती थी, बट उसको पहले ही चीज़ों से समझ भी आ गया था कि मैं बहुत हो जाती हूँ हाइपर, तो इसलिए वो मेरे को कभी, मुझे पता भी था क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं था, मुझे पता था डिसीजन जब घर के पास जाएगा तो मेरे पास नहीं होगा कोई, बट हाँ मुझे इतना ये चीज़ अच्छी लगी जो लोग, जब बिग बॉस ने ये बोला था कि इस शो में कौन रहने लायक है, तब उन्होंने बोला था कि सोनिया बंसल जो थे, विक्की भैया जो, विक्की भैया उसके फ्रेंड थे सना के, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, विक्की ये सब लोगों ने, तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, उन लोगों ने किया जो बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे थे उस शो में। आप विक्की के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब वो घर में गए तो वो सबके विक्की भैया बन गए, लेकिन अंकिता जो है वो थोड़ी दूरी पा रही थी अपने हस्बैंड से, उनके लिए क्या कहना है, क्योंकि दूरी नहीं, काफी देखो दोनों के बीच में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? डिफरेंसेस नहीं है, विकी भैया थोड़े इधर उधर रहते हैं, लोगों में रहते हैं, और अंकिता थोड़ा सा अपने तैयार होती हैं, थोड़ा घूमती हैं, तो उस टाइप से हैं। हाँ, विकी थोड़ा सा टाइम लोगों को ज़्यादा देता है, तो इस वजह से अंकिता का ऐसा रिएक्शन रहता है।
आपका इस शो में जो एंट्री हुई है, आपने खुद ही कहा था स्टेज पे कि मुझे 2 घंटे पहले मतलब बताया गया कि शो में, और आप आई इस शो के लिए, लेकिन इस शो के लिए मनस्वी ने जो मना किया था और फिर अब उनकी एंट्री है इस घर में, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें भी प्लान्ड है या ये इसी तरह से प्लानिंग हुई थी घर में? वो मुझे नहीं पता, ऐसा हुआ है तो वो बहुत गलत है, ऐसे कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपनी चीज़ों में अड़ी है और शो का पता है कि वो हिस्सा है, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो किसी को भी। बट शायद उसका वाइल्ड कार्ड में अभी हुआ है लड़की का, तो मैंने मिली भी थी और पता नहीं वो कैसे क्या खेलेंगे, आई डोंट नो, अब उनके बारे में हमें क्या बोल सकते हैं। सुनिए, मैं कुछ घर के कंटेस्टेंट के नाम लूंगी, आप उन्हें 1 वर्ड में सिर्फ डिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मुनावर। मुनावर चालाक। ईशा चालाक। अभिषेक। वो भी गेम खेलता है बट चालाक नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा है ऐसा ही। वो विक्की। विक्की भैया थोड़े से मसाला टाइप। अंकिता। फैमिली टाइप। नील। फैमिली टाइप। ऐश्वर्या। फैमिली टाइप। यूके राइडर। गेमर। तेलका। तेलका कुछ नहीं है वो, ना ही वो पॉजिटिव है, बट उसको उकसा देते हैं तो बाहर निकल आता है, तेलका मचा देंगे, बट उसको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। अरुण भी एंटरटेनिंग है बट शो के लिए, वो राजनीति तो बहुत चलता है बट कुछ राजनीति चल नहीं पाती, क्योंकि आप पहले बाहर तो निकलो, घर के रूम के बाहर नहीं निकलता वो। मनारा के बारे में क्या बोले, अनसमझ। कौन होगा जिससे आप बाहर मिलना पसंद करेंगे और किससे नहीं मिलना पसंद करेंगे? राइडर्स हैं और खानजादी से मैं मिलना पसंद करूँगी। किस तरीके से अब आप अपनी लाइफ देखते हैं आगे, कोई कैसी करने वाली अपनी जर्नी, कुछ अगर शेयर करना? अब तो काम करेंगे, जैसे कि अभी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आपके पास आते रहेंगे। अभिषेक और ईशा के रिलेशन पे क्या कहना है, क्योंकि लोग उसे फेक कह रहे हैं? हाँ वो किया है नहीं, ईशा की तरफ से होगा बट उसकी तरफ से नहीं है, अभिषेक की तरफ से। बट अभी इस घर में एक और उनके ट्राइंगल जाने वाले हैं। हाँ करके उनके बारे में क्या कहना है? हाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक को भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, वो अभी धोखे में है। और मुझे ऐसा लगता है कभी भी कोई भी है, मैं ईशा के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोलती हूँ कि प्यार वाली चीज़ में ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने से बोल दो कि नहीं चाहिए ऐसे रिलेशनशिप। लास्टली फैंस को क्या कहेंगे? यही बोलना चाहूँगी, आप लोग देखते रहिए मुझे, और डेफिनेटली मेरी फिर से री एंट्री हुई तो आप मुझे अलग तरीके से देखोगे और मैं हमेशा आपको एंटरटेन करती रहूंगी। सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।